किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। जो किसान भाई बैंगन की खेती करते हैं, बैंगन की फसल उगाते हैं, तो बैंगन की फसल में एक कीट की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं तना छेदक या फल छेदक। तना छेदक को हम अंग्रेजी में स्टेम बोरर कहते हैं या शूट बोरर कहते हैं, और फल छेदक को हम अंग्रेजी में फ्रूट बोरर कहते हैं। देखिए, तना छेदक और फल छेदक में जो लगने वाला कीट होता है वो एक ही कीट होता है, एक ही तरह का लार्वा होता है। जब ये लार्वा तने के अंदर घुस छेद करके तने के अंदर घुस जाता है और तने को खाता है, तो हम इसको तना छेदक कहते हैं या स्टेम बोरर कहते हैं। और जब यही लार्वा फल के अंदर घुसता है, फल के अंदर छेद करके फल के अंदर घुस के फल को खाता है, फल को खराब करता है, तो हम इसको फल छेदक कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में फ्रूट बोरर कहते हैं। तो कीट एक ही होता है, लेकिन जब प्लांट के अलग अलग पार्ट पर ये अटैक करता है तो हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ये जब तने के अंदर अटैक करता है, तने के अंदर घुसता है, तो क्या होता है कि तने के अंदर छेद करके जब ये तने को अंदर से खाना शुरू करता है, तो बैंगन की जो नई शूट्स होती हैं, ऊपर के जो पत्ते होते हैं, वो आपको मुरझाए हुए से दिखाई देते हैं और वो नीचे लटके हुए से दिखाई देते हैं। जब आप उनको ध्यान से देखेंगे, स्टेम को, तने को, तो उसमें आपको एक छेद दिखाई देता है। उस छेद से आप तोड़कर और उसके अंदर उसको तने को फाड़ कर देखेंगे, तो उसके अंदर एक गुलाबी कलर की सूंडी होती है, लार्वा होता है, जो उसको खाकर नुकसान पहुंचाता है। जब इस लार्वे का अटैक, इंसेक्ट का अटैक हमारी बैंगन की फसल पर ज़्यादा हो जाता है, तो उससे जो बैंगन की ग्रोथ है वो बुरी तरीके से प्रभावित होती है। बैंगन की ग्रोथ नहीं हो पाती है, उसमें फ्लावरिंग भी नहीं आ पाती है, तो बुरी तरीके से जो तना छेदक होता है हमारी बैंगन की फसल को प्रभावित करता है। और यदि ये बैंगन के अंदर घुस जाता है, बैंगन के अंदर ये जो लार्वा होता है छेद करके उसके अंदर घुस जाता है, उसको खाकर डैमेज करता है, तो हमारी जो फसल की प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हमें अपने फसल में देखने को मिलता है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसको रोकने के लिए हमारे किसान भाई अच्छे से अच्छा जो स्प्रे दे सकते हैं वो देते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो फल छेदक है वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है। फिर भी स्प्रे देने के बावजूद भी जो हमारे फल हैं वो काढ़े निकलते रहते हैं, ख़राब निकलते रहते हैं, उनमें सूंडियों का अटैक बना रहता है, तो जिससे हमें काफ़ी सारा जो प्रोडक्शन का लॉस है वो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर हम कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं, किन कारणों की वजह से जो कीट है वो पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद इन कीट को आप पूरी तरीके से अपनी फसलों पर कंट्रोल कर पाएंगे और अपनी फसल को लॉस होने से बचा पाएंगे। तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो ये कीट होता है, जो फल छेदक या तना छेदक जो लार्वा होता है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो किस तरीके का होता है, ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए, इसका जो एडल्ट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कीट का जो एडल्ट होता है इस तरीके का होता है, वाइट कलर का दिखाई देता है। ये जो एडल्ट होता है डायरेक्टली हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली ये नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि ये जो एडल्ट होता है ये हमारे जो पौधे होते हैं बैंगन के, उनके पत्तों पर, एक एडल्ट जो पत्ते होते हैं बैंगन के, उन पर 200 से 250 अंडे देता है, और उन अंडों से हैचिंग होने के बाद उनसे फिर ये लार्वा निकलता है, जो अंडों से लार्वा निकलने के बाद या तो तने के अंदर घुसकर डैमेज करता है या हमारे फल के अंदर घुसकर फल को डैमेज करता है, तो लार्वा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। फिर ये जो लार्वा होता है कुछ समय तक हमारे फल के अंदर को खाकर उसको सड़ाकर उसको डैमेज करता है, उसके बाद फिर फल से निकलकर ये ज़मीन पर गिर जाता है, और ज़मीन पर रहकर ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इससे प्यूपा से कुछ समय बाद फिर से एडल्ट निकलता है, और ये एडल्ट फिर से हमारे पत्तों पर अंडे देता है। तो इस तरीके से इनकी जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होती रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कितना मल्टीप्लेशन होता है, कितनी तेजी से ये मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब इनको कंट्रोल करने के हम तरीके जान लेते हैं, किस तरीके से हमें इसको कंट्रोल करना है यदि इस कीट का अटैक है हमारी फसल पर। देखिए, यदि ये कीट आपकी फसल पर है तो आपको निरीक्षण करना है, आपकी यदि बैंगन की फसल है तो आपको लगातार देखना है। तो शुरुआती समय में यदि आपको थोड़ा भी अटैक दिखता है, और शुरुआती समय में यदि आप इसको कंट्रोल कर देते हैं कोई भी अच्छे केमिकल के, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उनके दो स्प्रे दे देते हैं 7-7 दिन के अंदर से, तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको देरी करते हैं तो फिर उतना ही डिफिकल्ट, मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना। फिर आपको एक या दो स्प्रे से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम 3 स्प्रे कंटिन्यूस के देने पड़ेंगे यदि ज़्यादा अटैक है,
और वो भी एक एक हफ्ते के अंतर से, एक एक हफ्ते के अंतर से 3 स्प्रे देते हैं, तब आप इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, एक स्प्रे दिया या 2 स्प्रे देते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होता है, फिर वो अटैक हो जाता है, फिर ज़्यादा जब उन्हें प्रभाव उसका दिखता है, ज़्यादा अटैक दिखता है, फिर एक स्प्रे दे देते हैं, तो इससे वो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यदि ज़्यादा अटैक है तो 3 स्प्रे आपको देने हैं, जो मैं आपको केमिकल आगे बताने वाला हूँ उनके। लेकिन स्प्रे देने से पहले आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि यदि इस कीट का अटैक आपकी फसल में है, मान लीजिए फल छेदक के तौर पर आपकी फसल में है, तो हमारे किसान के भाई क्या करते हैं, बैंगन से उन फल खराब फलों को तोड़ते हैं जिसमें फल छेदक है और ज़मीन पर डाल देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो लार्वा है वो ज़मीन पर चला जाता है और फल के अंदर फल को खाता रहता है, कुछ समय बाद वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा से वो फिर एडल्ट बनता है और फिर वो हमारे पत्तियों पर फिर 200 से 250 अंडे देता है। तो आप स्प्रे कर दे करते रहेंगे लेकिन जो आपने नीचे फल गिरा दिए हैं उनसे निकलकर वो दोबारा से आपकी फसल पर अटैक करता रहेगा। तो इसलिए जो भी खराब फल होते हैं उनको अलग कलेक्ट करें, जो अच्छे फल हैं उनको अलग कलेक्ट करें, यानी कि अलग तोड़वाएं, जो भी आप लेबर से हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं। तो खराब फल जितने भी आपकी फसल पर रहें, एक भी खराब फल कोशिश करें कि ना रहे, सभी को आप निकाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी खराब फल हैं आपकी फसल पर, जो भी काड़े फल हैं उनको तोड़कर निकाल लें और उनको एक जगह इकट्ठा करके और एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें गहराई थोड़ा सा गहरा, और उससे ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें, जिससे उनका जो लाइफ साइकिल है इस कीट का उसको हम ब्रेक कर सकें, ताकि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है यानी कि उनकी जो बढ़वार है, ग्रोथ है, वो रुक जाए। उसके बाद आप इसके स्प्रे देंगे। स्प्रे आपको क्या करना है, एक एक हफ्ते के अंतर से 3 स्प्रे देने हैं, और जो मैं दवाई बताऊंगा उनमें से या तो आप 2 केमिकल ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, एक बार एक केमिकल का स्प्रे करें, एक बार एक केमिकल का स्प्रे करें। तो 7 दिन के अंतर से यदि आप 3 स्प्रे करते हैं तो पूरी तरीके से ये जो कीट है आपका कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ मान लीजिए तना छेदक के तौर पर आपकी फसल में है, स्टेम बोरर के तौर पर यानी कि तना छेदक की तरह आपकी फसल में अटैक कर रहा है, तो जहाँ भी जो सूट्स में जहाँ भी छेद होता है उससे 1 इंच नीचे से उस तनी को, टहनी को यदि काट कर आप बाल्टी में इकट्ठा कर लें, जितनी भी टहनी आप निकाल सकें, और उसके बाद उनको भी गड्ढा खोद कर दबा दें, तो उसको भी हम तना छेद को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद आप दवाइयों का स्प्रे करें तो आप आसानी से इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो जो हम केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं तो उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो आप फेम का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें फ्लूबेंडियामाइड साल्ट होता है, केमिकल होता है, तो उसका स्प्रे आप दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा केमिकल ये होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। उसके साथ साथ आप कोराजन का स्प्रे कर सकते हैं जिसमें क्लोरएंट्रानिलिप्रोल केमिकल होता है, तो आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। लार्विन के नाम से एक केमिकल आता है बायर कंपनी का, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ साथ आप रॉकेट के नाम से एक दवा होती है जिसमें प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथिन केमिकल होता है, आप इसका स्प्रे दे सकते हैं। तो इनमें से यदि आप कोई भी 2 स्प्रे ले लेते हैं और 7 से 10 दिन के अंतर से 3 स्प्रे अपनी फसल पर करते हैं तो पूरी तरीके से कंट्रोल जो ये कीट है उसको आप कर पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि केमिकल का स्प्रे हमें ना करना पड़े, तो आप इसके लिए देखिए आने के बाद नहीं, आने से पहले ही आप इसका इलाज कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। वो कैसे कि आप जो लाइट ट्रैप आती हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने खेत में जगह जगह लगा सकते हैं। लाइट ट्रैप क्या होती हैं, इसमें लाइट लगी रहती है ऊपर और नीचे एक बर्तन रख देते हैं लाइट के नीचे हम, और उसमें पानी डालकर उसमें जो केरोसिन ऑयल होता है यानी कि मिट्टी का तेल होता है वो कुछ बूंदे डाल देते हैं। इससे क्या होता है, जो इसका एडल्ट होता है वो लाइट को अट्रैक्ट होता है रात को, और इसमें जो इसका अंदर जो हम नीचे बर्तन रखा हुआ है उसमें वो गिर जाता है, उसमें फंसकर वो मर जाता है, जिससे वो हमारे फसलों के पत्तियों पर अंडे नहीं दे पाता है, जिससे हमारी फसल बच जाती है। उसके साथ साथ आप फेरोमोन ट्रैप का यूज कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें एक तरह का द्रव्य फेरोमोन नाम का द्रव भरा होता है, इसमें स्मेल आती है एक अलग तरह की, तो जो ये फ्लाई होती है इसका जो नर होता है एडल्ट उसको ये अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और वो जो इसमें फेरोमोन ट्रैप में अंदर फंसकर रह जाता है और ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, जिससे हम इसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। उसके साथ साथ आप इसके आने से पहले ही नीम ऑयल का समय समय पर स्प्रे करते रहते हैं तो भी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन 3 तरीके से आप ऑर्गेनिकली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप ट्रैप लगा सकते हैं और नीम ऑयल का समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करते रहें। लेकिन यदि आने से पहले आप ऐसा करते हैं तो कंट्रोल कर पाएंगे, आने के बाद आप नीम ऑयल से या ट्रैप से उनका कोई फिर बेनिफिट नहीं रहता है, फिर तो आपको केमिकल पर ही जाना पड़ता है।
तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।